वो सोच रहे थे बैठे बैठे साफ करके रखे. अच्छा यही काम रह गया आप थाने में. डॉक्टर के गई थी? हाँ. दवाई ली? ली. कहाँ है? अरे लाए हैं हम. आपको भरोसा नहीं हम पे? नहीं है, नहीं है हमको आप पे. आप पे भरोसा करें हम? हाँ सरदर्द का दवाई दिया था, सरदर्द का दवाई लिया था, नहीं लिया था. पेट दर्द हो रहा था, पेट दर्द का दवाई लिया था, नहीं लिया था. इस बार हम आपका ना इतना सा भी चलने नहीं देंगे. दवाई तो आपको खानी पड़ेगी. दवाई दीजिए. अरे क्या कर रही है? दवाई. अरे क्या कर रही है? बिल्लू दवाई ढूंढो. इसमें दवाई है नींद का, देखो. अच्छा दवाई ढूंढ रहे हैं. दवाई दवाई. अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. इसमें तो ये संतरा नहीं, दवाई दवाई तो नहीं मिल रही. दवाई नहीं है ना? लखनवी मेडिकल स्टोर से हमने दवाई ली थी और इसी में रखी थी. तो दवाई कहाँ है? चुरा ली होगी किसी ने. अच्छा अच्छा नींद का दवाई कौन चुराता है? उसका नाम बता दीजिए हमें. हाँ अरे अरे आप बिल पे कर दीजिए. मैं हेल्प कर देती हूँ. वो लड़की. कौन लड़की? वो एक लड़की थी वहाँ दुकान में, हमारे बगल में खड़ी थी. वो मेडिकल वाला कह रहा था कि वो लड़की भी नींद की दवाइयाँ लेने के लिए आई थी. लगता है उसी ने चुरा ली होंगी. पर्चा का है? पर्चा वो वहाँ हम गलती से वहीं भूल आए हैं. पर्चा भी लेंगे लखनवी मेडिकल स्टोर ना, उधर भी जाएंगे, दवाई लेकर भी आएंगे और आपको खिलाएंगे भी. हाँ एक्सक्यूज मी, हम भी आपके साथ आती है. पकड़ू. सुनिए मैडम. मैडम पुष्पा जी करिश्मा सिंह कहाँ है? जैन मैडम. जैन मैडम वो हमारे लिए नींद की दवाइयाँ लाने गई हैं. वो क्यों गई है? आप तो गई थी ना? जी हम गए थे, दवाइयाँ भी ली थी, पता नहीं कहाँ खो गई. खो गई मतलब? हाँ मैडम सर, जिस मेडिकल शॉप पर दवाई लेने गई थी ना, इनके बगल में एक लड़की खड़ी थी. तो पुष्पा जी को शक है कि वही लड़कियाँ इनका दवाई ढांप ली है ना? क्या पुष्पा जी, एक लड़की नींद की गोलियाँ क्यों? दसवीं परीक्षा के परिणाम से डरकर छात्रा ने की आत्महत्या. क्या क्या कहा आपने? कहाँ मिली थी वो लड़की? दवाई की दुकान में. कितने साल की होगी? यही कोई 15-16 साल की लड़की, कॉलेज जाने वाली. वैसे मैडम सर वो भी वहाँ नींद की दवाइयाँ ही लेने आई थी, मगर अच्छा। डॉक्टर की लिखित पर्ची नहीं थी ना उसके पास, तो इसलिए वो दुकानदार उसे दवाइयाँ नहीं दे रहा था. वो लड़की नींद की गोलियाँ लेने आई थी? जी. क्या हुआ मैडम सर, आप कुछ परेशान लग रही हैं? पुष्पा जी उम्मीद कीजिए कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत निकले. उम्मीद कीजिए कि एक और लड़की कोई गलत कदम ना उठा ले. श्योर, सी यू इन द डिस्मिसल. ओके बाय, सी यू. तो मेरे ख्याल से आस पड़ोस और रिश्तेदारों को मिलाकर आई थिंक 20 किलो लड्डू ठीक रहेंगे. ऐसा तुम्हें ठीक लगे? ठीक है फिर मैं ऑर्डर दे देती. या अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि अमृता के फ्रेंड्स को बुलाते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स को. ठीक है छोटी सी पार्टी हो जाएगी एंड उसे भी अच्छा लगेगा. हाँ ये अच्छा ख्याल है. और हाँ अगर वो इंदु का कॉल आए ना तो उसे इनविटेशन बिल्कुल मत दीजिएगा. व्हाई? शी इज योर बेस्ट फ्रेंड ना? थी. पता है वो क्या कह रही थी? कि आमो के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है और देखो भैया भाभी कैसे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं. अरे तैयारी कैसे नहीं करेंगे, हमारी आमो है, फेल कैसे हो सकती है? I am damn sure मेरी सिस्टर टॉप करने वाली है क्लास में. अरे रिजल्ट्स उसे फॉर्मेलिटी है, अमृता तो पास ही होगी. तो चलो मेरे को डिस्कशन निकलना है. अरे दूध हाथ में पकड़ के क्यों बैठी हो अमृता, जल्दी पियो. कैसे बताऊं अपने भैया भाभी को कि ये जैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं फेल होने वाली हूँ. कितना डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है इन्हें मेरी वजह से. सबके सामने सर झुक जाएगा, कितना मजाक उड़ाएंगे सब इनका मेरी वजह से. कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मेरे भैया भाभी को. पुष्पा जी कुछ याद आया? नहीं नहीं याद आ रहा ना मैडम सर. कीजिए याद कीजिए, जरा जोर डालिए आप अपने दिमाग पर प्लीज. मैडम सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस लड़की ने आत्महत्या करने के लिए दवाई ना ली हो, कुछ और भी तो कारण हो सकता है ना. आप खामखा इतना परेशान हो रही है शायद. पुष्पा जी आई होप आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सच निकले. हम खुद गलत साबित होना चाहते हैं लेकिन हम कोई चांस नहीं ले सकते ना.
उस लड़की के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। पुष्पा जी आप खड़े खड़े सो रही है, ये हद है, प्लीज कोई चाय पिलाओ इन्हें। नहीं नहीं, सुबह से 10 चाय पी के बैठे हैं, आपको तो पता है हमें एसिडिटी बहुत होती है चाय से। ना 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 पुष्पा जी, बदनामों का सड़ियल चाय छोड़िए, ट्राई कीजिए, ये है जादू का काढ़ा। क्यों ऐसा क्या है इसमें? मैडम सर ये पूछिए, इसमें का नहीं है, दिव्य काढ़ा है मैडम सर। एक बारी हलक से उतर कर अंदर गया ना, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ भक से बाहर आ जाएगा। अरे आपको मालूम नहीं इसमें का मिला हुआ है? इसमें मिला है नीम, करेला, मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया, पुदीना, ककरौंदा, सब कुछ मिलाकर दिव्य मिश्रण तैयार हुआ। पुष्पा जी पीजिए। फैंटास्टिक, आइए पुष्पा जी आपको मिले। बेहतरीन बेहतरीन, पी जाइए पी जाइए। अंदर 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 कीजिए। इतनी इतनी सी लड़की थी, दो लंबी चोटियां थी, यहाँ होठों पे एक तिल था, नीले रंग की जीन्स पहनी थी, ब्राउन रंग की टी शर्ट थी और उसपे ऐसी ऐसी पट्टियां थी और हाथ में 10वीं की कुछ किताबें थी और 10वीं की लड़की थी, मतलब हमारी जितनी नहीं मगर सुंदर थी। बाप रे। नहीं नहीं एक सेकंड, 10वीं की किताबें क्यों होंगी? एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, तो फिर कोई भी बच्चा एग्जाम खत्म हो जाने के बाद बुक्स लेकर घूमेगा ही क्यों? नहीं नहीं मैडम सर, क्या होता है ना कि परीक्षा के बाद से लड़का सबके पास जो किताब रहता है ना, तो या तो लड़का लोग किताब अपना किसी जरूरतमंद को दे देता है सब, या फिर उसी किताब को आधा दाम में रद्दी में बेच देता है सब, तो इसीलिए शायद किताब लेके घूम रही होगी बेचारी। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर एक काम करो पुष्पा जी, वो उस मेडिकल स्टोर का नाम क्या था? ट्राई कीजिए। लखनवी मेडिकल स्टोर। ओके वेरी गुड। चीता चतुर्वेदी एक काम कीजिए, उस मेडिकल स्टोर के आसपास जितनी भी रद्दी की दुकानें हैं वहां जाइए, वहां पता लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में 15-16 साल की किसी लड़की ने कोई एग्जाम की किताबें बेची हैं, खरीदी हैं, कुछ भी, और उसके जरिए उस लड़की के बारे में सुराग निकालिए। हो जाएगा? जी मैडम। ओके गुड। भाई साहब, जब वो पर्चे वाली आंटी आपसे जब नींद का दवाई ले रही थी तो कोई 13-14 साल की लड़की भी थी क्या? मतलब आई हो आपके पास, उसको भी नींद का दवाई चाहिए था का? जी हाँ बिल्कुल, वही तो लड़की थी वो जिन्होंने उनको आंटी बोल दिया और बात का बतंगड़ बन गया। उस लड़की का क्या बताओ, आंटी आंटी पे आ रहे हो आप। वो नींद की गोली लेने आई थी और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाई नहीं थी, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम कोई दवा दे नहीं सकते, अलाउ ही नहीं है। बहुत बढ़िया काम किया आप, ऐसे दवाई कभी देना भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। वैसे आपको क्या चाहिए भाई साहब? आपको क्या लगता है मैं बीमार हूँ? हाँ 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 मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ। नहा के बाहर निकलता हूँ तो गीला हो जाता हूँ, नींद में सोता हूँ तो आंखें खुली रहती है, खाना खाता हूँ तो भूख नहीं लगती। इसकी दवाई यहाँ सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है लड़की की? जब वो यहाँ थी तो सीसीटीवी फुटेज मिलेगा? जी मैडम बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ। बिल्ले। हाँ देख रहा हूँ मैं। देख रहे हो बिल्ले, जब सामान गिरा और सामान जब बैग में रखने लगी ना, हमको लगता तभी उसने अदला बदली कर लिया, इनकी दवाई जो है उस पे झपट्टा मार लिया। नहीं नहीं मैडम, आप ये अज्यूम कर रही हो, मतलब सीसीटीवी फुटेज में वो दिख नहीं रहा है कि उसने नीम की गोली चुराई है या ली है, वो नहीं दिख रहा है। बिल्ले लड़की तो किसी भी हालत में मिलनी चाहिए, क्या हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है? और हम नहीं चाहते अब कोई भी लड़की अपने आप को तकलीफ पहुंचाए, ये हम तो होने नहीं देंगे, इसलिए हमको ना इस लड़की तक पहुंचना पड़ेगा, समझ लो। भाई साहब आप हमारा थोड़ा मदद कर सकते हैं क्या, कुछ बता सकते हैं कि हम इस लड़की तक कैसे पहुंच सकते हैं? जी नहीं मैडम, जो मुझे मालूम था वो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। हाँ एक मिनट, मुझे आपसे कुछ चाहिए, एक चॉकलेट दो। थैंक यू। नींद की गोली भी देना? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ये प्रिस्क्रिप्शन पर्चा 350 रुपए। पैसे कौन देगा? पैसे? हाँ पैसे हम देंगे, चॉकलेट के और 370 रुपए दे दी। 370 रुपए? महंगाई कितनी बड़ी है। मैं अपना वॉलेट लाना ही भूल गया, आप पे कीजिए। हम भी वॉलेट नहीं लाए। वैसे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं? तो ऑनलाइन पे कर दो, मेरा रिचार्ज नहीं है। तो कहाँ आए हो? मैडम एक सेकंड, ऑनलाइन से याद आया मुझे, उस लड़की ने भी चॉकलेट लिया था और उसने भी ऑनलाइन पे किया था।
ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया भाई साहब, आपने क्या बात है भाई साहब, आपने दिल जीत लिया। बताइए डिटेल्स दीजिए। ये देखिए मैडम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो बिल्ले, इस लड़की को ढूंढते हैं। ओके, ये सामान थाने में भिजवा देना। पेमेंट? पेमेंट वही हो जाएगा। आप वहाँ कॉन्स्टेबल हैं क्या? मैं कैदी हूँ, आई एम बिल्कुल स्पाय, किसी को पता ना मत। हो गया? हाँ हाँ, चलो आप भिजवा दीजिएगा। चलो, चॉकलेट एकदम पिघल नहीं गई है, दूसरी नहीं मिल सकती। ये सब क्या है? मैडम सर, मैडम सर, आप ही बोली थी ना यू मेडिकल स्टोर के आसपास जितना भी रद्दी वाला दुकान है हम वहाँ पर जाएं और उन लोग से पूछें कि दसवीं कक्षा की कोई लड़की अपना किताब बेच कर गई है क्या? हाँ तो? हाँ तो हम सारे रद्दी वाले दुकान पर गए और बहुत सारी लड़कियाँ आई थी मैडम सर, बहुत सारा किताब बेच कर गई थी, तो हम का कहें सारा किताब ला कर यहाँ पर आपके सामने रख दिए। अब आप इनमें से अपनी वाली लड़की को ढूंढ लीजिए। ठीक है, गुड जॉब। एक काम करो, तुम एक एक करके हमें सारी लड़कियों का नाम बताना शुरू करो। पुष्पा जी यहाँ आइए। पुष्पा जी, पुष्पा जी, मैडम सर बुला रही है, मैडम सर बुला रही है, जाइए जाइए। पुष्पा जी, हाँ हाँ, यहाँ वो तो ठीक है मैडम सर, मगर हम लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या? नहीं मतलब हम लड़की के बारे में कुछ जानते नहीं ना। हाँ लेकिन चेहरा पहचानते हैं ना, सोशल मीडिया से मदद करेगी, आप यहाँ तो आइए। चीता नाम बताना शुरू करो। काढ़ा पी लीजिए, थोड़ा सा मदद मिलेगा। पी लीजिए। बताओ। गीता कुमारी। युक्ति जायसवाल। अमृता दुबे। अमृता दुबे ये है। यही यही तो है वो लड़की, यही है। हाँ हाँ पक्का। क्या हुआ मैडम सर? अब कुछ नहीं। लिखा हुआ कहाँ चली गई है इसे? आप जाके सो जाइए थोड़ी देर। गजब कर रही है पुष्पा जी, हमारा कुछ नहीं। चीनी कितना? एक चम्मच, दो चम्मच? पगला गए हो क्या? बिल्कुल भी जो काम करने आए वो करें, या चीनी या चाय पिए यहाँ पे? चाय के साथ अच्छा काम होता है, इसीलिए मेडिकल स्टोर वाले ने जो नंबर दिया है ना, कोई पक्का एड्रेस नहीं बता रहा है, लेकिन 2.5 किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहा है कुछ तो। ये वो मोबाइल नेटवर्क वाले ना एग्जैक्ट एड्रेस बता दिए। इतना टाइम किसके पास है? किसके पास है? तुम्हारे पास है इतना समय कि हम इतना वेट करें कि वो हमें एकदम एग्जैक्ट एड्रेस निकाल के दे? नहीं ना, वो लड़की कुछ कर लेगी अपने आप को, हमें वो नहीं होने दे सकते, हमें उस तक पहुँचना ही होगा। बिल्ले चाय कैंसिल, टाइम नहीं। और लीजिए। I'm done बस। अरे अमृता तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। क्या हुआ अमृता? हम कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान क्यों हो, रिजल्ट से पहले सबको टेंशन होती है, बट डोंट वरी, तुमने बहुत मेहनत की है और डेफिनेटली तुम पास भी हो जाओगी, और उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा तुम्हें बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का। Yes, getting into the best college is very important. It'll decide your future. Okay, I'm getting late. तो बाद में मिलते हैं। अरे फोन भूल गए। हेलो हेलो, मैं बी एड्रेस निकालो बस। एड्रेस बताओ। हेलो मैं बिट्टू, आपका दोस्त, हमारी कंपनी का नाम है जहां जन्नाटा, और आपको मिलता है सनसनाता गिफ्ट, दो लोगों के लिए 4 रातें 3 दिन यूरोप का सनसनाता टूर पैकेज एकदम फ्री 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 फ्री। बस एड्रेस कंफर्म करना है, सन्नाटा बिल्डिंग। नॉट इंटरेस्टेड। हेलो हेलो, क्या तुम्हारे अंदर पुष्पा जी की आत्मा आ गई है क्या? जितना ओवर एक्टिंग कर रहे हो, झनझनाटा ये और सनसनाटा ये, नहीं तो क्या तुम रायता बेच रहे हो क्या लड़की को?
रियल लगना चाहिए इसलिए। पकड़ो इसको, हमारे फोन से करना हो। नंबर बोलो। नंबर ये। हेलो जी, मैं पिज्जा कॉर्नर से बोल रही हूँ। आपने पिज्जा ऑर्डर किया था, हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो अटक गया है, वो आपका एड्रेस तक पहुँच नहीं पा रहा, तो आप हमें कंफर्म कर देंगे आपका एड्रेस? पर मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर किया ही नहीं है। दिस माइट बी अ रॉन्ग नंबर। नहीं नहीं नहीं, आपके यहाँ से ही पिज्जा ऑर्डर हुआ है। आप शिवनगर में रहती है ना? नो, ये श्रृंगार अपार्टमेंट है। अच्छा अच्छा, तो आप कविता बैनर्जी नहीं बोल रही है? नहीं, मैं कविता बनर्जी नहीं हूँ। तो क्या है आपका नाम? आपको मेरे नाम से क्या लेना देना है? मैंने कहा ना कि मैं कविता बनर्जी नहीं हूँ। अमृता, क्या कर रही हो? भाभी, रॉन्ग नंबर। चलो बैठो, खाना खाएं। अमृता, मैडम सर, उस लड़की का नाम और चेहरा तो हम जानते हैं, मगर उसका अता पता कुछ मालूम नहीं है। तो फिर उसका पता भी बहुत अच्छे से जानते हैं पुष्पा जी। अच्छा, आप जानती हैं, मतलब आप उस लड़की को भी जानती हैं? तो ये तो अच्छी बात है। फिर आगे क्या सोचा है? Madam, your job is always good, absolute good. But आगे क्या? अमृता, देखो कौन है? अरे देखो ना, क्या कर रही हो खड़े खड़े? ऐसा है, करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। क्या सेवा कर सकते हैं हम? तलाशी लेनी, घर का तलाशी लेना। हमें अपना काम करने दी। हमारे घर में से क्या तलाशी क्यों लेनी? देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। दो कोल्ड ड्रिंक लाजिए। ऐसे कैसे आप लोग घर पे घुसे आ रहे? तलाशी लीजिए। पुष्पा जी से ही तलाशी लेनी। पुष्पा जी को बुलाते, यहाँ लाते, मुझे क्यों लाया? उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। सिर्फ अंगड़ाइयां लेती रहती, किसी काम की नहीं रही है पुष्पा जी। इसलिए तुमको लेकर आया, तुमको कोई एतराज है? पुष्पा जी, आप तलाशी लीजिए। हाँ हाँ बेबी, कोने में खड़े हो जाओ, डिस्टर्ब मत करना। क्या है? क्या कर रहे हैं ये? क्या पिंजरा खाली? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसे कैसे मेरे घर में घुसकर? हम देखो, हम पुलिस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तलाशी ले रहे हैं, यहाँ भी कुछ नहीं। क्या ढूंढ रही हैं आप, मुझे बताएंगी? मिल जाएगा तो आपको बता ही देंगे। आपके पास वारंट भी नहीं है? मैडम, कुछ भी नहीं मिला। कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ है ही नहीं। मिलेगा, अंदर अंदर तलाशी लीजिए ना। अंदर क्या है? अंदर किचन है, पर आप वहाँ नहीं जा सकते। हम जा सकते हैं। लेट माय हस्बैंड कम, वो बताएंगे आपको। इनको भी देख लेंगे। आ गए। हम है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आप भी पुष्पा सिंह हैं? ये भी कौन है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो हम पूछ रहे कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बताते हैं, बताते हैं। आप हमसे पहले यहाँ खड़ी हैं। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? तलाशी लेने आ गए थे यहाँ पे, हमको लगा कि आप। तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अरे हम एक ही थाने से तो हैं। पर अगर आप पुष्पा सिंह हैं तो फिर वो कौन है? अरे बताइए, पुष्पा सिंह पूरी दुनिया में एक ही हो सकती है। लेकिन पुष्पा सिंह को अंदर कुछ नहीं।
ये कौन है? पुष्पा सिंह। अरे हम हैं पुष्पा सिंह, ये देखो हम हैं पुष्पा सिंह, ये देखो। इतनी गंदी, इतनी वाहियत, आप बताइए पुष्पा कितनी सुंदर दिखती है, ये इतनी खतरनाक नौखूखा दिखती है पुष्पा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बताओ तुम? पुलिस बचाइए, पुलिस बताओ। बिल्ले, बिल्ले। एक तो वीक नहीं देती हो, जो है वो भी निकाल लेती हो। मेरा क्या, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए ना क्या कर रहे हैं। इस तरह अमृता और उसके भाई का थाने में आना, जरूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। करिश्मा सिंह, क्या कर दिया आपने?